वाह, ये मुझे अपनी आज कुछ ठीक नहीं लग रही, थकावट और बुखार सा फील हो रहा है। जैसे ही मैं फिल्टर प्लांट में इंटर हुआ हूँ, इतना रश हो गया ना। हमारा 50 व्लॉग जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज फिर से मुझे अपने काम कंप्लीट करते करते 11:15 का टाइम हो चुका है, तो अभी निकलते हैं हम। सुबह के टाइम गाड़ियों को रेडी करते करते पता ही नहीं चलता कि कब स्कूल का टाइम हो जाता है, 11:15 हो भी चुके हैं। वेदर आज भी कल जैसा ही है, 12-1 बजे के बाद ये थोड़ी सी सनलाइट जो है ये भी गायब हो जानी है। अपनी आज कुछ ठीक नहीं लग रही, थकावट और बुखार सा फील हो रहा है। स्कूल से बच्चों को पिक करके वापस आए हैं। इधर मैंने गाड़ी पार्क की है स्वीट पोटैटो लेने के लिए। स्कूल से वापस आ गया हूँ, थोड़ी रेस्ट की है, तो अब चलते हैं दोबारा से मार्केट, कुछ सामान है वो लेके आते हैं। तबीयत मेरी रात से कुछ डिस्टर्ब थी, तो अब उसकी वजह से बुखार हो गया। एक हल्दी का पैकेट लेना है और नेस्ले का दही लेना है मुझे। चीज़ें मैंने ले ली हैं, अब घर चलते हैं। सोच रहा हूँ कि खाना खाऊं कि नहीं, क्योंकि बुखार काफ़ी हो गया। तकरीबन 1 घंटा सोने के बाद अब मैं उठा हूँ, तो तबीयत थोड़ी बेहतर लग रही है अब तो। तो एक मेरा एक ज़रूरी काम पड़ा हुआ है, वो देखें पीछे पानी की बोतल जो हैं वो लाने वाली हैं, वो लेके आनी है। लेकिन अभी 3:30 का टाइम हुआ है, 5 बजे जो है फिल्टर प्लांट ओपन होगा। ये व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करते वक्त मैंने डिसाइड किया था कि हम डेली एक व्लॉग डालेंगे, तो आज माशाल्लाह हमारा 50 व्लॉग्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे आज की इस वीडियो में। और इंशाल्लाह व्लॉग्स बनाने की ये रूटीन डेली की जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करूंगा मैं। रोज़ाना एक वीडियो ज़रूर आएगी और मेरा टारगेट है 300 व्लॉग्स जो हैं वो रेगुलर अपलोड किया जाए। मौसम आज ठीक ही रहा, कल की तरह नहीं हुआ। कल इस टाइम बिल्कुल सनलाइट गायब हो चुकी थी, लेकिन आज थोड़ी सी सनलाइट अभी तक है। 3:30 का टाइम हो चुका है। इधर पीछे की तरफ गली में लगा हुआ है गीज़र, उसमें गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही है, तो मैकेनिक को कॉल की थी लेकिन वो मसरूफ है, नहीं आ सका। तो खुद ठीक करने की कोशिश करते हैं अगर उसकी गैस तेज़ हो जाती। खान है एक पठान जिनसे गीज़र बनवाते हैं और वही इसको ठीक करने आते हैं, लेकिन वो अपने किसी घर के मसले की वजह से गए हुए हैं पीछे अपने गाँव लाहौर में, मौजूद नहीं है। तो इसको ये मैं पेच ले आया हूँ, खुद ही ठीक करने की कोशिश करता हूँ। खोल के चेक करते हैं। अभी फ़िलहाल जो है ना गैस ठीक आ रही है, मैंने बटन से उसको थोड़ा एडजस्ट किया है, तो गैस तेज़ हो गई है। अगर दोबारा से उसमें प्रॉब्लम आई ना, फिर उसका बाहर वाला कवर जो है वो खोल के मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो अभी टाइम आ चुका है हमारे दोबारा से बाहर निकलने का, काफ़ी सारी बोतलें इकट्ठी हो गई हैं, पानी ले के आते हैं। गाड़ी हमारी बाहर है, तो चलते हैं जल्दी से। जैसे ही मैं फिल्टर प्लांट में इंटर हुआ हूँ, इतना रश हो गया ना, सर्दियों में पहले कभी इतना रश नहीं हुआ। तो ये वाला काम जी फाइनली हो गया, रश हो गया था लेकिन फिर भी टाइम से पानी भर लिया मैंने। अभी 2 काम हमारे और हैं, तो उनकी तरफ निकलते हैं। आगे जहाँ पे जाना है वहाँ पे है रश, तो गाड़ी यहीं पर पार्क कर लेते हैं, बाद में आसानी से निकल जाएंगे।
और ट्रैफिक जाम है। अच्छा हुआ मैं गाड़ी पीछे लगा के आ गया हूँ, इसी शॉप पे जाना है। तो अभी ये ले लेना शावर, ये ले लेना भाई। कितने का ये? कौन से वाले भाई की बात कर रहे हैं आप? वो जो गाड़ी पे आते हैं ना वाइट। अच्छा 600 ठीक है। फैसला अच्छा था गाड़ी पीछे लगाने वाला, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया आगे। अभी इधर राइट होके हम आसानी से निकल जाएंगे, आगे देखें कितना ज़्यादा रश है। राइट 5 बजे के बाद तो ना लाहौर में ऐसे सर दर्द करने वाला ट्रैफिक हो जाता है। नेस्ले का पानी पास वाले स्टोर से नहीं मिला था, तो अभी मैं CST जा रहा हूँ, इसलिए मुझे मेन रोड पर आना पड़ रहा है। सिग्नल मैनुअल है तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रोकी हुई है ना। CST में पहुंच गया हूं, आई होप कि यहां से हमें नेस्ले का पानी मिल जाएगा आसानी से। गाड़ी कहां पार्क करें, इधर ही लगा लेते हैं यार, दोनों गाड़ियों के बीच में। इस पानी की बोतल के लिए हमें इतने बड़े स्टोर पे आना पड़ गया। खैर कोई नहीं, देखते हैं यहाँ से मिलता है कि नहीं। खुल जासिम से जब ट्रॉली है तो हम इसको ट्रॉली में रख के लेके जाते हैं। एक बोतल के लिए ट्रॉली, वाह। ओके जी, तो फाइनली हमें पानी मिल चुका है। ओए राम नाल, ओए वो सामने है हमारी गाड़ी। फाइनली जी हमारी बोतल गाड़ी में आ चुकी है, तो अब हम निकलते हैं घर की तरफ। तो जी फाइनली मैं अपने रूम में वापस आ चुका हूँ। अभी हमारे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, लेकिन तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है। तो आज का ब्लॉग जो अब हम यहीं पे एंड कर देते हैं। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगा, तब तक आपने अपना डे सा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।